बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज देख सकते हैं कि मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ, तो आज जो है वो व्लॉग भी है और कुछ खाने से रिलेटेड वीडियो भी है। तो ये एक्चुअली एक किस्म का व्लॉग विद फूड रिलेटेड व्लॉग है। आज जी हम जा रहे हैं इस्लामाबाद में, एक जगह है शाह दिता, वहाँ पर कोई केव है गार, जिसके बारे में उन गाँव वालों की तरफ से मशहूर है कि जी यहाँ पे ये हॉन्टेड है, मतलब वहाँ पे कोई चीज़ें हैं। तो एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है फॉसल्स के नाम से, साधु रिट्रीट एंड फॉसल्स रेस्टोरेंट, उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आज जा रहे हैं हम, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। पहले हम जाएंगे इंशाल्लाह मनाल से आगे फॉसल रिट्रीट पे, साधु रिट्रीट एंड फॉसल रेस्टोरेंट पे, वहाँ से फिर जो ग्रुप है उनके साथ हम जाएंगे आगे, क्या नाम है, जो शाह दिता में गारे हैं D12 में, उस तरफ जाएंगे। देखते हैं अंदर जा सकता हूँ मैं या नहीं, लग तो यही रहा शायद मैं ना जाऊँ, लेकिन जब गए तो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा अब बीच में आपको ड्रोन शॉट्स भी दिखाऊंगा, कुछ अपने ट्रैवल अपनी वो भी दिखाऊंगा मैं, जर्नी जो हमारी कहाँ से कैसे जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। साथ रहिए, आज आपको दिखाते हैं एक व्लॉग, पहला मेरा व्लॉग है अपने चैनल पर। लेट्स सी कैसा रहता है आज का दिन। तो चलिए मेरे साथ आज इस इन केव्स का आप विज़िट करिए मेरे साथ वर्चुअली, इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। और दूसरी बात, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें, से लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आपकी सपोर्ट नहीं होगी तो मैं नहीं बढ़ सकूँगा, तो आपकी मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए जी अपना व्लॉग शुरू करते हैं, चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर ली है मैंने, मौसम आज आपको मैं दिखाता हूँ, काफ़ी ही ज़्यादा वो है आज। टेम्परेचर इस वक्त शो कर रहा है गाड़ी में 35 डिग्री, तो काफ़ी ज़्यादा वो आपको नज़र आता है कि नहीं, शायद आज 35 डिग्री कर रहे हैं। तो चलते हैं, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं, चलिए मेरे साथ। ड्रोन उड़ के आए, आपको क्लिप अभी मैं इसके बाद अटैच करके दिखाऊंगा। चलें जी, अब ये ड्रोन उड़ने वाला है मेरा। पिछले मैंने जैसे आपको बताया था कि ड्रोन के क्लिप्स में आपको साथ साथ दिखाऊंगा, तो ये देखिए, और इसके बाद आप लैंडस्केप देखिए उस जगह का, बहुत ही आउट क्लास किस्म का लैंडस्केप। ये मार्गला की पहाड़ियाँ हैं, जो इस्लामाबाद में साधु रिट्रीट एंड फॉसल रेस्टोरेंट्स है उसकी है। तो चलें आगे, आप इसका लैंडस्केप इंजॉय करें। ये वो जगह है जहाँ पे जिस रेस्टोरेंट में हम लोग गए हुए थे, सारा उसका आपको बर्ड आई व्यू दिखा रहा हूँ। बाकी इसके बाद हम ट्रैक की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको व्यूज़ दिखाऊंगा और ज़्यादा पूरे इस्लामाबाद के। तो ये है जी वो व्यू, यहाँ से आप देखें, मैं अपना ड्रोन आगे देखे जा रहा हूँ, और इसके बाद आप इंजॉय करें इस जगह को, इस जगह की लैंडस्केप को और इसकी ग्रीनरी को, बहुत ही आउट क्लास किस्म का है। इसको आप पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए।
ये देखिए जरा इस पूरे लैंडस्केप को आप। अल्लाह ताला ने हमारे इस्लामाबाद को बहुत ही खूबसूरत बनाया है, इसको आप जिसका आप ये व्यू देख सकते हैं, और इसीलिए दुनिया के सेकंड ब्यूटीफुल कैपिटल है, मोस्ट सेकंड, आई थिंक फर्स्ट पे लंदन है और सेकंड पे इस्लामाबाद है। नहीं, फर्स्ट पे लंदन नहीं है, कोई लंदन तो कैपिटल है नहीं, कैनबरा शायद है उसका ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन इस्लामाबाद सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल में आता है। तो जी आप ये देखिए सारा लैंडस्केप।
चल चुके हैं अब अपने घर की तरफ। सारे रास्ते ये हमारी सारी चीज़ें, बहुत ही साफ पानी की एक चश्मे का पानी आ रहा है, ये पूरा बहता रहता है, बिल्कुल साफ पानी। नहीं नहीं वॉइस ओवर नहीं करनी, टोटली नेचुरल वॉइस तो जो आवाज़ आ रही है उसी से। आप ही एक सारे चश्मे का पानी है, ये कोई कीचड़ या गन नहीं है, ये चश्मे का पानी जो ऊपर से बह के आ रहा है और ये रोड पे इसने रास्ता बनाया और आके जाके एक जगह है जहाँ पे ये गिर रहा है। ये मेरा से एक इन्होंने छोटा सा वो बनाया हुआ, सारा पानी इसमें आ रहा है। बंदा भाई हो और ये बच्चा है अभी खजूरें लगी ये आप व्यू चेक करें, बहुत ही जबरदस्त व्यू। टीम लीडर कहते हैं जल्दी आए जल्दी आए। यहाँ पे स्टिक्स होती है वहाँ पे इस तरह सुराख बन जाता है, यहाँ पर पत्ते होते हैं उधर ये वेन्स बन जाती है पत्तों के, दिस यूज्ड टू बी अ लीफ, उसका निशान रहेगा। आप ही वो व्यू चेक करो इस्लामाबाद का, वो सामने अभी हाई हो गई है, अभी तो शुरू हुआ है काम, एक
किलोमीटर भी नहीं चले वापस यहीं से नहीं ऐसा नहीं लगता कि हम लोग जाने पड़ेंगे पता नहीं अभी हमने कितना रास्ता अपना तय कर लिया। अभी देखें वो हमारे टीम मेंबर्स आगे जा रहे हैं, कुछ पीछे हैं और हम चले जा रहे हैं अपने उस पर। लेट्स सी कितना होता है। जाते हुए तो प्रॉब्लम नहीं लग रही, प्रॉब्लम तो हमें होगी वापसी पे जब हमें सारी चढ़ाई चढ़ के आना पड़ेगा। लाइफ का पहला एडवेंचर ऐसा हो रहा है जिसमें मैं हाइकिंग पे जा रहा हूँ। छोटा भाई है मेरा, वो भी आज गिलगित गए, वो तो वो भी बता रहा था हंजा में, वो तो हाइकिंग करके आ चुके तो थक हार के वो अपने रूम्स में रेस्ट करें और हम अभी जा रहे हैं। देखें सुना है गीदड़ चीते सब होते हैं इधर, बस जिनसे भी बचना है जिस गार में जा रहे हैं चीतोरन से भी बचना है। लेट्स सी इट्स गुड इट्स गोइंग गुड। ये इन रास्तों से गुजर गुजर के जा रहे हैं हम। अब मेरे ख्याल से हम ऊपर जाएंगे। बहुत ऊपर तक आ चुके हैं इस वक्त हम। एक हमारा टीम पार्टनर है वो डिहाइड्रेट हो चुका है, अब नीचे ही है। हाँ जी इस्लाम आ गए सर, आ गए दो मिनट। खैर है सर, वैसे थोड़ा सा चलो लेकर आओ ऊपर।
फिर इधर ऊपर आके बैठ जाएं, ये जगह सही है। फिर भी लग रहा है कि इससे ऊपर शायद ना जा पाए, बहुत ज़्यादा हो गया। वो हमारे बंदे भी उससे तो बिल्कुल अब चला नहीं जा रहा। लेट्स सी आगे जाते हैं। हाँ जी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? सर बेटर। एक दो मिनट रख, छोड़ दें, जूते उतार दें। जूते मत उतार, ये देख मसाज भी मिल रहा है। ऐसी सर्विस किधर मिलेगी तुझे भाई? जो मेरी हालत है बाकी सब भी हो जाएगी। हाँ, अब थोड़ी देर बाद इस्लाम मैं भी करने वाला हूँ। हाय हाय, कितना मजा आ रहा होगा। वाह 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 वाह, वीडियो बन रही है। वाह 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 वाह, चलो जी आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले जा। नहीं कुछ भी नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले जा। हाँ जी, अब आराम से बैठना, आराम से। ये टर्न अराउंड, टांगे नीचे। ये जी जी इस जगह पे हम ऑलमोस्ट काफी ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन आगे जाने के पे हम लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी। हमने कहा चलो जब तक जो ऊपर गए हुए हैं उनका वेट करते हैं, बैठ के ड्रोन ही उड़ाते हैं। तो उसके बाद इस ड्रोन का क्या हुआ, कैसे हम लोगों का ये ड्रोन गुम और कैसे वापस लाया, वो आपको आगे वीडियो में नजर आएगा। तब तक आप ये देखें।
ये वो जगह है जहाँ पे हमारा ड्रोन गुम चुका था, मतलब हमारे जो उसका कनेक्शन, मतलब मेरे मोबाइल से जो था वो उसका कनेक्शन जो था वो डिसकनेक्ट हो चुका था। तो फिर एकदम थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कनेक्ट हो रहा था, तो हम वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। बीच में मैंने रिटर्न टू होम का बटन प्रेस करवाया तो कि आ गए, लेकिन वो बिल्कुल ही आउट ऑफ रेंज था। तो बस उसको फिर बंद किया उसके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, और उसके बाद फिर उसको दोबारा ऑन कर दिया तो वो कनेक्ट हुआ। तो भी आप देखेंगे कि कैसे उसको हमने फिर वापस लाने की कोशिश की, और अल्लाह के शुक्र है वो आगे था। तो हमारी जान निकल गई थी कि चलो जी गया ड्रोन, आज गए हमारे $700, लेकिन शुक्र है वापस आ गए थे। वो आप देख सकते कि अब हम देख रहे हैं हमारे ड्रोन कैमरे से, वो उस वक्त हम देख रहे थे कि किस जगह कौन सी जगह दिखा रहे हैं। फिर वो जगह को हमने पॉइंट आउट किया कि इस जगह पे, फिर वहां से हम ड्रोन को वापस ले आ गए। आप देख सकेंगे
वो मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ जो हमने कैप्चर किए थे ड्रोन से इस्लामाबाद के। ये आप E11 से आगे जाके ये सारा सेक्टर आता है, और ये E11 से आगे जाके जो मार्कला की पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर है, ये उस जगह पे है और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। और ये सारा उसका व्यू अब आप चेक करें कैसा ज़बरदस्त व्यू। हमारा इस जगह का एंड जो हमने मतलब ड्रोन उतारा उसके बाद अंधेरा हो गया था, मैं वीडियो तो नहीं बना सका वापसी पे, बड़ा ही अंधेरा था और उसमें हम वापस आए। उसके बाद फिर वो जो मैंने आगे आपको फिर रेस्टोरेंट चले गए तो वहाँ से मैंने आपको वीडियो दिखाई, तो वापसी पे मैं वो वीडियो नहीं बना सका कि हम किस तरह वापस आए। लेट्स सी अब रेस्टोरेंट Thank you.
हम वापस आ चुके हैं, इधर हैं हम इस वक्त। ये है, इस रेस्टोरेंट का नाम है साधु रिट्रीट एंड द फॉसिल रेस्टोरेंट। तो इनके पास जिप लाइन भी बना हुआ है, वो मैं अभी आपको पास जाके दिखाता हूँ। खाना हमारा हो गया, जो हमारे थक गए हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। वो जो थी ना केव, जा तो नहीं पाए, मैं नहीं जा सका, बाकी बंदे गए हैं। ये इधर की शूटिंग साइट है और ये सामने जो है ना जिप लाइन, आप एक तरफ से बांध के वो दूसरी तरफ इसके नीचे वो जगह बनी हुई है, आप उधर जाएं। अंधेरा है लेकिन, बट दिस प्लेस इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड फॉर फैमिली। ये शाला रिता में है, आप गूगल में सर्च करें और आपको ये मिल जाएगी। इसका नाम है साधु रिट्रीट एंड द फॉसिल रेस्टोरेंट। बहुत ही आउट क्लास जगह है, आप देखें इसका एम्बियंस चेक करें। ओह माय गॉड, सो कूल। नीचे इनका एक अलग से स्विमिंग पूल का वो बना हुआ, उसमें आप अपने फैमिली गैदरिंग के लिए उसे बुक करिए। मैं कोशिश करता हूँ आपको ले जाऊँ उधर, दिखा दूँ एक जो इनका बना हुआ है। सारा एक फैमिली रिजॉर्ट टाइप से बना हुआ है, आए एंजॉय करें इस जगह को आप लोग। यहाँ से देखिए क्या सब, जंगल टाइप बना हुआ है सारा। ये देखिए ज़रा यहाँ पे, ये स्विमिंग पूल को भी इन्होंने कवर किया हुआ है कि पानी गंदा ना हो, ऐसे ये पूरा है। ये आपकी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के खेलने के लिए जगह बनी हुई है। बहुत ही आउट क्लास जैसे कहते हैं ना ये जगह है, आप आएँ एंजॉय करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनका जो है कॉन्टेक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूं, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है। चलें बाकी खाना क्या क्या आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वापस चलते हैं, वापसी पे देख लीजिए। बिल्कुल लकड़ी उसका ब्रिज बना हुआ है। लिंक्स इसके मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट के। आए फैमिली के साथ आए और इस जगह को एंजॉय करें आप। ये पूरा बना हुआ है, सारी गैदरिंग चल रही है। ठीक है, उतर गए, उठे लगेंगे, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। जी तो हो चुका है डिनर हमारा, तो आज जो डिनर में था आपने देख लिया है, मैं सब बोला नहीं। डिनर में इस वक्त था हमारे लिए
चिकन सीख कबाब, चिकन कढ़ाई, आलू की भुजिया, रुमाली रोटी और वही रायता सैलेड और क्या था। हाँ बस ये, लेकिन नो डाउट खाना बहुत अच्छा था, आप ज़रूर इधर आएँ। मैं लिंक इसका जो है वो अपने यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूँगा, आप इसको चेक करें। बहुत अच्छा था आज का दिन वैसे मेरा। अभी लोग इधर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, अभी बाकी चाय पीने लगे हैं, फिर इसके बाद आपको बताते हैं वापसी का। तो जी हम थक हार के खाना खा के वहाँ से अब हम आ चुके हैं घर। इस वक्त हम घर पहुँच चुके हैं, तो अभी मैं जाऊँगा शावर लूँगा, कपड़े शपड़े चेंज करूँगा, बहुत थक गए हैं। कोई आपको पता है वो जो ट्रैक था वो एक सवा एक घंटे का था, तो अभी जाता हूँ शावर लेता हूँ, कुछ चेंज वेंज करता हूँ, फिर एंड ऑफ आपको स्टोरी को दोबारा रिकॉल करता हूँ इसमें भी कि आज कैसा रहा, क्या हुआ और आपको जाना चाहिए कि नहीं। और इस रेस्टोरेंट का मैं सारा आपको आपको लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाएं, इनके पेजेस पे जाएं, वहाँ आपको इवेंट्स के इनके ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। कभी ये बॉनफायर का करते हैं, कभी ये हाइकिंग का करते हैं, कभी ये सिंगिंग नाइट का करते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के करते हैं। और ये एक बहुत ही मशहूर टीवी एक्टर हैं जिनका ये रिजॉर्ट है, और बहुत ही मज़ा आया। बाकी मैं अभी ज़रा चेंज वेंज कर लूँ, शावर ले लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल इस बारे में देता हूँ सारी इंशाल्लाह। तब तक आप ज़रा इस वीडियो को तो देख ही चुके हैं, तब तक आपको ज़रा मैं सारी अपनी वो डिटेल्स इकट्ठी कर लूँ, मैं एंड में आपको वीडियो में वो सारी आपको देता हूँ। मैं ज़रा चेंज वेंज करूँ, शावर ले लूँ। हाँ जी, फ्रेश होके आ गया हूँ मैं, कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं, तो अब ज़रा सुकून से बैठे हैं, बहुत ही थकावट हो चुकी थी तो चावल लिए, तो ज़रा कुछ बेटर फील कर रहा हूँ। तो सारे दिन का जो आज खुलासा या कह लें या जो कंक्लूजन ये है, जो भी जिस तरह भी, वो ये है कि बहुत अच्छी जगह, बहुत मज़ा आया। ये जो है ना साधु रिट्रीट एंड द फॉसेट रेस्टोरेंट, ये एक बहुत ही फेमस टीवी एक्टर हैं तारिक रहीम शाह, जो अहदे वफा में भी आ चुके हैं, जो आपने देखा होगा ज़ारा नूर अब्बास के फादर बने हुए थे चौधरी साहब के नाम से कि क्या। तो ये उनका रेस्टोरेंट है, और ये इस तरह के इवेंट्स प्लान करते रहते हैं, लाइक हाइकिंग पे चले गए, कैंपिंग पे चले जाते हैं ये लोग। अभी मैं खास दिस सैटरडे दे आर गोइंग फॉर कैंपिंग इन सम एरिया इन इस्लामाबाद, तो बुलाए और देखें अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं ज़रूर जाऊँगा, नहीं तो नेक्स्ट सैटरडे एक और कैंपिंग है बहुत अच्छी, उस पर तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और उसके बाद इनके पास अभी ये कुछ टाइम में जब मौसम सही हो जाएगा तो ये बॉनफायर शुरू करेंगे, फिर म्यूज़िकल नाइट रखते हैं। और मैंने जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया है, इनके पास बहुत ज़बरदस्त नीचे जगह है जिसमें आपके पास शूटिंग एरिया है, फिर जिप लाइन है वो,
बहुत ही ज़बरदस्त, वो तो मैंने इंशाल्लाह करनी है अब। और खाना इट वाज प्रीटी गुड, तो खाना वाज या इट वाज प्रीटी गुड। लाइव बारबेक्यू चल रहा है और उसका जो एक सीनरी है उस जगह की वो बहुत ही आउट क्लास। और अगर आप अपने फैमिली के साथ जाना चाहते हैं उधर तो आप ज़रूर जाएं। नीचे उनका स्विमिंग पूल है, साथ ही उनका प्ले एरिया है, लॉन सा बना हुआ है, आराम से 20 to 30 पीपल कैन एडजस्ट ओवर देयर। बहुत अच्छी जगह है वो, आप जाइए उधर इन्जॉय कीजिए। वो है, मैं आपको उनका लिंक फेसबुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वो कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, आप उसको जाके देखिए। और उधर जब जब वो इवेंट ऑर्गेनाइज करें आपको ऑप्शन आ, वो उसका क्या नाम है, आपको पॉपअप हो जाएगा उसी पेज पे और आप उस पर उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त। थक गए इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत थक गए, लेकिन इट वॉज एन एडवेंचर। क्योंकि हम जो गए थे हम लोग समझ के गए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई वो हाइट नहीं होगी उसकी, थोड़ा कम ही होगा, लेकिन वो इट वॉज वेरी हाइटेड माउंटेन। तो बाकी तो सब सही रहा। हाँ एक चीज़ और जो मैंने दिखाई वो बहुत ज़बरदस्त थी, साफ सुथरा पानी पहाड़ों के बीच से आ रहा है, रोड के बीच से जा रहा है, नीचे एक तालाब सा बना हुआ था उसमें गिर रहा है। और हर मतलब उनके साथ कुछ और रेस्टोरेंट्स, और एक ऊपर जाके कोई एक और रेस्टोरेंट भी है जो 4 किलोमीटर आगे है, वो भी बहुत अच्छा है, सुनना है कि उसके बारे में। तो हर रेस्टोरेंट के आस पास से ना एक छोटी सी ना नदी नाली टाइप गुजर रही है, साफ़ पानी की, ठंडे पानी की। आई डोंट नो वो कहाँ से आ रहे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त। और बस आज का जो था वो यही था। आपको जो बीच में मेरे ड्रोन शॉट्स हैं वो भी पसंद आए होंगे, सारा एरिया कैप्चर करने। हाँ बीच में जो एक चीज़ हुई, जब हम ड्रोन उड़ा रहे थे, जब हम पहाड़ पे चढ़ चुके थे तो थक गए, तो हमने कहा अब तो हमसे आगे नहीं जाया जा रहा, जैसा कि मैंने बताया था कि हमसे नहीं गया गया। तो उसके बाद फिर वो 3 और लोग थे जो गए हैं ऊपर से, ये सारी जो केव की अपने वीडियो देखी हैं ये वो बना के लाए हैं। तो जब हम ड्रोन उड़ा रहे थे तो हम काफ़ी ड्रोन ऊपर ले गए, आगे पीछे ले गए, एकदम से हमारा ड्रोन गायब हो गया। ड्रोन गायब हुआ उसके बाद परेशान हो गए कि भाई ये तो गया। उसके बाद क्योंकि वो डिसकनेक्ट हो गया था हमारे उससे, मोबाइल से भी, तो बड़ी मुश्किल से एक दफ़ा ऐप को किल करके दोबारा उसे ऑन किया, तो दोबारा उसे कनेक्ट किया तो कनेक्ट हुआ, बड़ी मुश्किल से वापस लेके आए। ये भी एक ड्रोन की बड़ी कहानी थी जिसने हमें थोड़ा बीच में परेशान किया। वापसी की मैं वीडियो नहीं बना सका जब हम नीचे आ रहे थे, क्योंकि मगरिब हो चुकी थी, अंधेरा इतना सख्त था, इतना अंधेरा कि आपकी सोच है कि टॉर्च बंद हो तो आपको एक साथ खड़ा हुआ बंदा नहीं नज़र आ रहा, तो इस वजह से मैं वो वीडियो नहीं बना सका। लेकिन वापसी पे हम ज़रा आए थे साफ रास्ता, वो लंबा था लेकिन साफ़ था, तो हम उस रास्ते से आए थे वापसी पे। और बाकी इंशाल्लाह जब नेक्स्ट जो भी इस तरह के ट्रिप होंगे तो इस तरह के उसमें मुझे आपके व्लॉग्स मिलते रहेंगे। तो इंशाल्लाह अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं अपना एक अलग चैनल बनाऊँगा व्लॉगिंग का, और कुकिंग का अलग रखूँगा। तो अभी आपको देखें, ये तो अभी मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे फ़िलहाल तो अभी मुझे कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं है व्लॉगिंग में, लेकिन अभी ये मैं पहली एक व्लॉग बना रहा हूँ। इसका क्या रिस्पांस आता है, आप लोगों का क्या रिस्पांस आता है वो आप बताएंगे, उसके बाद देखेंगे कि मुझे बनाना है कि नहीं बनाना। ये ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा कि मैं ये व्लॉगिंग स्टार्ट करूं या नहीं करूं। और रेस्टोरेंट का मैं एक दफ़ा फिर आपका नाम बता दूं, इसका नाम है साधु रिट्रीट एंड द फॉसिल रेस्टोरेंट, या फॉसिल रेस्टोरेंट। बहुत अच्छी जगह है, ज़रूर जाइए और फैमिली के साथ जाइए और इन्जॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा माहौल था वहाँ का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाज़त। और इजाज़त लेने से पहले एक चीज़ मैं कह दूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए और आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो इसके साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म, टाइम भी बहुत हो गया, तो अब थक चुके हैं और बस
सोना है और ऐसा सोना है कि बस सुबह जितना देर से उठे उतना अच्छा है। तो इसके साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। अगली वीडियो में आने तक आप मेरा इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह अब मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और इस मुश्किल हालात जो पेंडेमिक चल रहे हैं इसमें आप लोग सब कुछ सब सेफ रहें, ताकि हर कोई इसके आपके मतलब सेफ मतलब इसमें एहतियात करें, ताकि आप लोग सेफ रहें और आपकी फैमिली सेफ रहे। तब इसके साथ ही आप मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।